आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक और मामला दर्ज। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रकम योजना के तहत जमा राशि के नहीं लौटाने पर मामला न्यायालय में दर्ज किया गया। दोस्तों, ये 21 नवंबर 2019 की खबर जो एक घंटे पहले हमें मिली है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की ये ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ दैनिक भास्कर नेटवर्क से हमें मिली है। दोस्तों, पूरी न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारा बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके सबसे पहले आपके पास। तो दोस्त, ये दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, एक दो मिनट की वीडियो है। तो आपसे हमारा अनुरोध है, जिन निवेशकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखा जाता है कि लास्ट में आप या हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि पहले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो आती है सबसे पहले आपको पास भेजते हैं। जैसे कि ये वीडियो हमने अभी आपके लिए बनाई, ये हमारे पास एक घंटे पहले आई और हमने आपको सबसे पहले आपके सामने रख दी। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम भी आपके साथ पढ़ते हैं कि पूरी खबर क्या है। भास्कर नेटवर्क से आइए 21 नवंबर 2019 की अभी अभी आई खबर। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रकम योजना के तहत जमा राशि के नहीं लौटाने पर मामला न्यायालय के जरिए दर्ज कराया गया। परिवादी उर्मिला गर्ग पत्नी किशन निवासी रिंकी कॉलोनी ने दर्ज परिवाद में बताया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड व पदाधिकारियों ने शाखा प्रबंधक मोहन सिंह व अभिकर्ता महालक्ष्मी झा के माध्यम से उसके सभ्य को पुत्री श्वेता गर्ग के नाम पर 84,018 माह के लिए जमा कराए थे। यह दोस्तों, परिवादिनी ने महालक्ष्मी ने अपनी पुत्री श्वेता गर्ग के नाम ये 84,000 का एक एफडी कराया होगा इस सोसाइटी में। यह 18 माह की अवधि पूरी होने के बाद, जब बॉन्ड की अवधि पूरी हुई और अवधि पूरी होने के बाद सोसाइटी कार्यालय में ये गए लेने तो वहाँ पर उन्हें पैसा नहीं दिया गया। फिर अभिकर्ता के पास गए, जिसने ये एफडी कराई थी उसके पास गए, उसने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है पैसा दिलाने की, उसकी जवाबदेही नहीं है, कुछ ऐसा उन्होंने अभिकर्ता ने बताया कि रकम दिलाने की उसकी जवाबदेही नहीं है। तो दोस्तों, अभिकर्ता ही क्या करेगा जब इस वक्त कंपनी के खाते सीज हुए पड़े हुए हैं और इस वक्त निवेशकों का पैसा कहीं से कहीं तक मिलने के चांस नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक हमने पिछली वीडियो में डाला था और बताया था कि आपसे कि के पवन जो इस वक्त आपके मामले को संभाले हुए हैं और इस मामले में बहुत जल्दी उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। तो दोस्तों, ये पैसा दिलाने की इस वक्त जो बड़ी जिम्मेदारी के पवन ने ली है, तो दोस्तों उसके पर्पस में एक हेल्पलाइन भी सभी निवेशकों के लिए बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हेल्पलाइन 181 आप निवेशकों के लिए बनाई गई है, उस पर जाकर अपनी समस्याओं को भी आप बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर इस वक्त जितनी भी सोसाइटियों की धोखाधड़ी हैं और निवेशक उसमें परेशान है अपने पैसे को लेकर, तो वो 181 हेल्पलाइन पर अपनी पूरी परेशानी को डिटेल से वहाँ बताएंगे और उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर ऑनलाइन पर जो इस वक्त आपको हेल्पलाइन दी गई है, ऑनलाइन पर आपको सुझाव दिया जाएगा। और क्या सुझाव दिया जाता है या आपको जब ही पता चलेगा जब आप वहाँ पर जाकर, जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल के ज़रिए वहाँ कांटेक्ट करिए हेल्पलाइन 181। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराइए ताकि आपका मामला जल्द से जल्द सुधर सके। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल